जब एक डायबिटिक पेशेंट को कोई जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है या फिर वो ठीक ही नहीं होता। एट द सेम टाइम अगर एक हेल्दी पर्सन को कोई जख्म हो जाए तो वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो प्रॉपरली काम नहीं करता, और उसके मुकाबले जो एक हेल्दी पर्सन होता है उनका इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव होता है कि वो फटाफट से बिना ट्रीटमेंट के भी उस जख्म को ठीक कर देता है। और जो Type 1 डायबिटीज है वो कोई बीमारी नहीं है, इट्स ए डिसऑर्डर, क्योंकि Type 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है, जब हमारे सेल्स हमारे पेनक्रियाज के बेटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और बेटा सेल्स ही इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, और Type 1 डायबिटीज के पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है। वैसे तो पूरी दुनिया में Type 1 डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन रिसर्च बताती है अगर हम हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करना शुरू करें तो इन फ्यूचर हमारे पेनक्रियाज के जो बेटा सेल्स हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो इम्बैलेंस होने के कारण लगातार उन पर अटैक कर रहा है, उस अटैक से हमारे पेनक्रियाज के बेटा सेल्स को बचाया जा सकता है और काफी सारे इंप्रूवमेंट लिए जा सकते हैं। देखा आपने, यहां पर भी इम्यून सिस्टम कितना मेन रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम ही बीमारियों का कारण बनता है और इम्यून सिस्टम ही हमें बीमारियों से बचाता है। अगर हम शुरू से ही हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने पर काम करें तो हम लोग Type 1 डायबिटीज जैसे डिसऑर्डर से भी खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। और जो लोग काफी तरह के डिसऑर्डर, काफी तरह की बीमारियों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर वो लोग अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने पर काम करें तो उनके इम्यून सिस्टम के रिजल्ट्स देख के वो खुद भी हैरान हो जाएंगे।